नमस्कार, मैं करुणा और आपका स्वागत है माँ की रसोई विद करुणा पर। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल छोले भटूरे। आज मैं इस वीडियो में छोले भटूरे की पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कई बार जब हम भटूरे बनाते हैं या तो वो पूरी तरह से फूलते नहीं हैं या फिर थोड़े स्टिची से बनते हैं जो खाने में खिंचे खिंचे लगते हैं। तो आज हम जिस तरीके से भटूरे बनाएंगे वे फूलेंगे भी अच्छी तरह से और बहुत ही सॉफ्ट भी बनेंगे, और साथ ही हम बनाएंगे दिल्ली स्टाइल छोले, वे भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 कप काबुली चने, जिन्हें हम 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट भिगाएंगे। और ये देखिए मैंने भिगा के रखे हैं, ये मैंने ओवरनाइट भिगा लिए थे और ये देखिए फूल कर डबल हो गए हैं। और इसे मैंने 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इन्हें पकाने रखेंगे। इसके लिए हम लेंगे कुकर और कुकर में हम इन चनों को डाल देंगे। ये मैंने डाल दिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी या तो चने के लेवल का लें या फिर आप इसमें 2 कप पानी ऐड कर दें, और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए खड़े मसालों की हम पोटली तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये एक सूती कपड़ा ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चाय पत्ती, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, और डालेंगे 2 से 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, चक्रफूल और 2 टूटा इलायची जिन्हें मैंने हाथ से अच्छी तरह से तोड़ लिया है, और डालेंगे 2 से 3 तेजपात के पत्ते, इन्हें भी अच्छी तरह से तोड़ लेंगे, और 2 हरी इलायची, और इनकी हम अच्छे से पोटली बांध लेंगे ताकि ये पानी में खुले नहीं। ये देखिए मैंने पोटली को अच्छी तरह से बांध लिया है और इसमें जो खड़े मसाले हैं उससे छोलों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब चलिए छोले में हम डालते हैं 1/4 चम्मच खाना सोडा और 1 चम्मच तेल। तेल से ये जो छोले हैं वो ओवर कुक नहीं होंगे और इनके छिलके नहीं निकलेंगे, इसलिए मैंने तेल डाला है। और अभी हम ये मसाले की तैयार पोटली हम इसमें डाल देंगे और कुकर को हम बंद कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 3 से 4 सीटी आने तक इन्हें हम पकाएंगे। चलिए जब तक छोले पक रहे हैं हम आटा तैयार कर लेते हैं भटूरे के लिए। इसके लिए मैंने लिया है ये 4 कप मैदा, ये लगभग वजन में 500 ग्राम है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, ये है बेकिंग पाउडर, इसे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसे खाना सोडा भी कहते हैं। और हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर, ये मैंने शक्कर को पीस के पाउडर बना लिया था। और अब हम इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस मैदे में। ये सामग्रियाँ सब मिक्स हो गई हैं और अब चलिए हम इसमें मोयन डालेंगे। मोयन के लिए मैंने लिया है ये 1/4 कप घी, और अगर देखें इसको तो 2 टेबल स्पून ये घी है। मैं इसमें घी का मोयन दे रही हूँ, आप चाहें तो तेल का मोयन भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप घी का ही मोयन दें। इससे जब हमारे भटूरे तैयार होंगे तो एक तो वो सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे, साथ ही उनको जब हम तलेंगे तो वो ऊपर ऑयल नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही बढ़िया सिककर तैयार होंगे। इसका रिज़ल्ट आपको भटूरे सीखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए मैंने मोयन अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैदे में, और अब हम डालेंगे 1 कप दही। इस दही को हमें बिल्कुल फ्रेश ही लेना है, दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए मैंने 1 कप दही इसमें ऐड कर दिया है, और इस आटे को हमें सख्त गूंथना है, इसे हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंथेंगे, क्योंकि जब हम इस आटे को सेट करने रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए तब ये आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी हम भटूरे के लिए आटा तैयार करें तो उस समय हम आटे को थोड़ा सख्त ही गूँथें, क्योंकि हम इसको सख्त गूँथेंगे तभी हमारे भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए अभी इसमें लोच नहीं आया है मैदे में, और अब मैं डालूँगी इसमें लगभग 1 चम्मच तेल और इसे फिर स्मूथ करूँगी इस तरह से मसल के। ये देखिए अच्छे से स्मूथ हो चुका है, और अब हम इसमें 1 चम्मच और तेल डाल के इसको ऊपर से अच्छी तरह से चिकना कर देंगे ताकि ये सूखे नहीं। और अब ढक्कन लगाकर हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने रखेंगे। चलिए हमारे छोले भी पक चुके हैं, इसका प्रेशर भी निकल चुका है, हम छोले चेक कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, और मैं आपको दिखाती हूँ ये छोले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं।
और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी में छोले में ऐड कर लेंगे और इस पोटली की को हम निकाल देंगे। और अब चलिए हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल और इसे गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्ची सूखी और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, और इसे हम 1/2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए जीरा अदरक मिर्ची हमारे अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 प्याज का पेस्ट, मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने पीस लिया है, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। प्याज जितनी अच्छी भुनेगी हमारी छोले में उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ये देखिए प्याज का मसाला भी हमारा सिक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से इसमें सेक लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें टमाटर प्यूरी, ये मीडियम साइज़ के मैंने 3 टमाटरों को मिक्सी में पीस लिया है, और अब हम इसे भी मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। टमाटर को हमें कच्चापन निकलने तक सेकना है। ये देखिए इस तरह से हम इनको पका लेंगे अच्छी तरह से, और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, और इन मसालों को भी हम टमाटर के साथ अच्छी तरह से सेक लेंगे। टमाटर को का कच्चापन निकल जाए इतना हमें इन्हें सेकना है। और देखिए जैसे जैसे हमारा मसाला सिक जाएगा ये तेल रिलीज़ कर देगा, और जितना अच्छा हम मसाला भुनेंगे उतना छोलों का टेस्ट अच्छा आएगा। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 बॉईल आलू जिसे मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था, इसे भी मैं टमाटर के साथ अच्छी तरह से सेक लूँगी। इससे जो हमारे छोले की ग्रेवी का टेक्स्चर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैंने इसमें ये 1 बॉईल आलू ऐड किया है। और इसे भी देखिए मैंने 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर के साथ अच्छी तरह से सेक लिया है। और अब हम इसमें ये जो छोले हैं उनको हम ऐड कर देंगे, ये मैंने पानी के साथ ही इसमें छोले मिक्स कर दिए हैं, और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मसालों के साथ पका लेंगे, ताकि ये जो हमने ग्रेवी तैयार की है वो इसमें चनों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया हमारे छोले सिके हैं, और मैं इसमें लगभग 1/2 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। छोलों को हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, हमें इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। और अब हमें इसे उबाल लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये इमली का पानी लिया है मैंने 1 चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक, नमक हमारा छोले में भी था इसलिए हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर हम इसको उबाल लेंगे। ये देखिए छोले हमारे अच्छी तरह से उबल चुके हैं, और अब हम इसमें डालेंगे ये कसूरी मेथी, इससे छोलों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, इसलिए मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और अब हम लास्ट में डाल देंगे धनिया पत्ती, और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब चलिए इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ही तड़का पैन लिया है, और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल के गर्म करूँगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे 2 लाल मिर्ची और ये कटा हुआ अदरक, ये मैंने इस तरह से काट लिया है लंबा लंबा, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से सेक लेंगे, और अब हम तैयार छोले पर इस तड़के को डालेंगे। इस तड़के से ये छोलों का टेस्ट दुगना हो जाएगा। और ये देखिए हमने इसको मिला दिया है, और बहुत ही बढ़िया हमारे छोले तैयार हुए हैं। अब मैंने ढककर रख देंगे, और चलिए भटूरे की तैयारी करते हैं। 5 घंटे हो चुके हैं, आटा देखिए फूल कर डबल हो चुका है, ये बढ़िया से सेट हुआ है, और अब हम इसे थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरह से मलेंगे। इसको हमें बहुत स्मूथ करना है, जितना हम इसे अच्छी तरह से मथेंगे और इसको स्मूथ करेंगे उससे उतने ही बढ़िया हमारे भटूरे फूले फूले बनेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इनको मसलना है, और मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप इस तरह से देखेंगे तो ये क्रैक्स आ रहे हैं, तो ये साइन है कि भटूरे के लिए हमारा आटा परफेक्ट तैयार हुआ है। और हम इसको एक बार और अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे, और अब हम इसकी एक बराबर लोइयाँ तोड़ लेंगे। लोई को मैं मीडियम साइज़ की तोड़ रही हूँ, इसे हम ना बहुत ज़्यादा बड़ी तोड़ेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी, हमें मीडियम साइज़ की ही लोइयाँ बनानी है।
ये देखिए मैंने ये लोइयाँ बना ली हैं, और बाकी हम आटे को अच्छी तरह से इस तरह से ढक के रख देंगे ताकि सूखे नहीं। और अब हम इस लोइयों को तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हमें बनाना है, इसमें एक भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, और हथेलियों से दबाते हुए अच्छी तरह से हम लोइयों को बनाएंगे ताकि इसमें एक भी क्रैक ना रहे। ये इसकी भटूरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस तरह से मैंने सारी लोइयाँ बना के रख ली हैं, और अब हम इसमें लगा देंगे ऊपर से थोड़ा सा तेल, और इसे हम फिर 10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी लोई फिर से अच्छे से सेट हो गई है, और अब हम इसको उठाकर बेलेंगे। और ये बेलने के लिए मैं इसमें सूखा आटा लगा रही हूँ। ये आप चाहें तो इसको तेल लगा के भी बेल सकते हैं ये, पर मैंने ये जो थोड़ा सा मैदा या आटा हम लगा रहे हैं इससे क्या होगा कि ये अच्छे से बेल जाएगा। और इसे हमें अच्छी तरह से बेलना है। इसे आप चाहें तो बड़ा बेल सकते हैं, ओवल शेप में बेल सकते हैं, गोल बेल सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो आप उसको उस शेप में बना सकते हैं। मैं इसको इस तरह से ओवल शेप में बना रही हूँ, और इसे हमें ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, बस इतना ही मोटा हम इसे बेलेंगे। ये हमारे भटूरे बेलकर तैयार हैं, और अब चलिए हम इन्हें तलेंगे। इसके लिए मैंने तेल गर्म कर लिया है, और तेल हमारा फुल गर्म होना चाहिए, और गैस की फ्लेम भी हम फुल ही रखेंगे। देखिए इस तरह से, और जैसे ही ये फूलेगा इसको हम तुरंत पलट देंगे। इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भटूरे को तल लेना है। ये देखिए बिल्कुल बलून जैसा हमारा भटूरा फूल कर तैयार हुआ है, और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बस ऐसा ही गोल्डन हमें इसे सेक लेना है। तेल हमारा बिल्कुल फुल गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और ये सिक गया है, और इसे हम निकाल लेंगे, और इसी तरह हम सभी भटूरे सेक कर तैयार कर लेंगे। और चलिए अब हम इसे छोले के साथ सर्व करते हैं। देखिए हमारे छोले भी कितने बढ़िया लग रहे हैं, और ये हमारे गर्मा गर्म भटूरे, और ये भी बहुत ही क्रिस्पी बने हैं भटूरे, बहुत ही टेस्टी भटूरे बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे फूले फूले भटूरे। और अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ तोड़कर कि ये कितना सॉफ्ट और कितना क्रिस्पी हमारा भटूरा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, ये आपको इससे तोड़ने से ही पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट है भटूरा। और मैं आपको इसके अंदर की जाली दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने कितना बढ़िया इसका आटा लगाया था। और ये देखिए ऊपर से बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, और बहुत ही अच्छा हमारा भटूरा सिक के तैयार हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।